यहां लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेंगे फिर नीचे सॉल्व करेंगे हम, आर स्क्वायर एल स्क्वायर टू आर एल माइनस 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 का गुणा करने पे ये प्लस हो जाएगा, और फिर बचा क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो आर से आर कट रहा होगा, एल से एल कटेगा, ई बराबर क्या आ रहा है के क्यू। ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि जब कोष्टक टूट जाती है तो कोष्टक टूटने के बाद क्या होता है बेटा, कोष्टक टूटने के बाद क्या आता है, जब माइनस प्लस से टूटेगा तो आएगा क्या, प्लस प्लस जुड़ के फोर आर एल और आर माइनस एल का होल स्क्वायर का स्क्वायर। देखो चूंकि यहां हम लिखते क्या है, चूंकि लिखा जाएगा आर की तुलना में एल बहुत छोटा है तो यल को निगलेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे यल को निगलेक्ट कर देंगे। यहां से लिखा जाएगा क्या, ई बराबर के क्यू फोर आर एल, नीचे बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं के क्यू, दो बार लिखो इसको टू आर एल, नीचे आएगा क्या आर पावर फोर, एक आर से एक आर काट देंगे, ई बराबर के क्यू। अब देखो क्यू को अंदर भेज रहा हूं टू क्यू एल, और जो टू बचा था उसको बाहर कर दिया नीचे आर क्यू। यहां से सॉल्व होके आता है के टू पी अपान आर क्यू, क्यों, क्योंकि पी बराबर होता है टू क्यू एल। ज्योति नीचे वाला दिख रहा होगा, अब परेशानियां नहीं आएंगी। एक लोग एक बार जितने लोग आए हैं सब लोग लाइक कर लो बेटा, एक बार सब लोग लाइक कर लो। पर सब लोग लाइक कर लीजिए, चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए सब लोग।